अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए। और मैंने आपको गाड़ी में बताया था कि हमने एक नए मॉल की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे मॉल है, तो ये बेसिकली दिलीप, इसका मैं नाम दे दूंगा आपको शॉप का, और मैं लोकेशन दे दूंगा। तारिक अब्दुल मलिक है सामने, तो मैं आपको इसकी लोकेशन बगदादपुरी दे दूँगा, तो ये आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अभी हम अंदर से इसका लेंगे डिज़ाइन। आज हम डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे कि इनका डिज़ाइन कैसा है, मॉडर्न डिज़ाइन किस तरह चल रहा है यहाँ पर, और सऊदी अरब में जिद्दा में नए मॉडल मॉल किस तरह बन रहे हैं, क्या 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 चीज़ें होती हैं, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और आज हम जिद्दा में एक ऐसी जगह हैं जो नया मॉल बना है। बेसिकली वहाँ शॉप्स नई नई बनी हुई है, ये देख रहे हैं। और ये एक नया डिज़ाइन के हिसाब से बना है। पहले एक ज़माने में एयर कंडीशन मॉल बनते थे, अब एयर कंडीशन मॉल का सीज़न थोड़ा कम हो गया है। आप ये ज़रा ओपन टाइप के बना रहे हैं कि दुकानों के साथ साथ कॉरिडोर दे रहे हैं जो बिल्कुल ओपन होता है। ये सारा आप देखें नया जदीद तरीके से मॉडर्न बना हुआ है डिज़ाइन। ये सारे शॉप डिज़ाइन वगैरह भी हम अंदर भी जाएंगे, आपको यहाँ दिखाएंगे, और इंशाल्लाह मैं इसकी लोकेशन भी आपको भेज दूँगा कि इसकी लोकेशन कैसी है। और चलते हैं अंदर की तरफ। ये बहुत ही, क्योंकि मैं ये आजकल ये जो डिज़ाइन जो आ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने भी अभी 3-4 डिज़ाइन बनाए हैं अपने ऑफिस में, तो इसी टाइप के ओपन एरियाज बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से और खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें पार्किंग एरिया है पूरा। देखें ये है पूरा व्यू, और ये न्यू टेक्नोलॉजी जदीद मॉडर्न के हिसाब से बनाया गया है। और माशाल्लाह इसके जो डिज़ाइन वगैरह है बहुत अच्छा है। आप देखें बिल्कुल ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है। अगर अभी खैर गर्मी इतनी नहीं है, गर्मी में ज़्यादा हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही जगह ये देखें, इस तरह की हर जगह एंट्रेंस बनी हुई है। और ये सामने एलिवेटर वगैरह है, एलिवेटर से नीचे जा सकते हैं। और नीचे भी शायद बेसमेंट है, और गाड़ी का कार पार्किंग वगैरह दिया हुआ है नीचे, और बाकायद ऊपर भी कार पार्किंग दिए हुए सारी चीज़ें। तो इसी तरह ये सारे मॉल्स वगैरह आप देख रहे हैं ये सारे माशाल्लाह से। तो आजकल जो अब ये देखें रोड के जो उन्होंने पार्के लगाए, रोड के जो डिज़ाइन लगाया है, इतना अच्छा लगता है। ये शाइनिंग्स के ऊपर आ रही होती है। और अब यहाँ से हम आगे की तरफ जाते हैं, तो माशाल्लाह यहाँ ज़्यादातर आपको कॉफ़ी का काम बहुत मिलेगा। हमें हमारी जैसे होते ना चाय की दुकान, तो यहाँ कोई काम नहीं चला तो कॉफ़ी की दुकान खोल लो, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कॉफ़ी की दुकान खोलते हैं। आप यहाँ पर डिज़ाइन देखें। आप बेसिकली मैं यहाँ लाने का मकसद ये है कि आप यहाँ के डिज़ाइन वगैरह को देखें, और देखें सीटिंग एरिया किस तरह बनाया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह क्या डेकोरेशन की हुई है इन्होंने यहाँ पर। ये कॉफ़ी का बाहर का हिस्सा है, और ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? ओरिजिनल प्लांट्स है, ओरिजिनल प्लांट है, सॉरी। तो अब ये देखें माशाल्लाह, अब व्यू देखें। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर है माशाल्लाह, और मज़ा आता है। आप जब शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आप जब बाहर निकलते हैं तो आप एक नेचर के बहुत करीब होते हैं। टाइल्स के कंट्रास्ट देखें यहाँ पर, कॉरिडोर देखें किस तरह बनाए हुए माशाल्लाह से, और एक ही पूरा व्यू देखें यहाँ से माशाल्लाह। यहाँ से सीधा जाए, आई मीन बहुत अच्छा निज़ाम किया हुआ, बहुत सिस्टमेटिक निज़ाम है। और आपको हर डिज़ाइन मिलेगा यहाँ पर हर किस्म का। आप ये देखें इन्होंने टाइल्स लगाए, टाइल्स के साथ फिर इन्होंने ये डेकोरेशन दी, फिर वुड का काम दिखाया इसके अंदर, फिर इसके बाद सिटिंग एरिया को कितना अच्छा उन्होंने किया हुआ है। तो अब ये देखें यहाँ पर देखें ज़्यादा आपको कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी मिलेंगी शॉप। तो ये देखें ये कॉफ़ी की शॉप है, वो एक शॉप कॉफ़ी की शॉप है, अभी पीछे में आप कॉफ़ी की शॉप, यहाँ पर कॉफ़ी की शॉप बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, तो माशाल्लाह से आप ये देखें, हमें एक व्यू दिखना है, मज़ा आ रहा है देखने में, चलने में मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है हमें। ये आप डिज़ाइन वगैरह देखें कितने प्रॉपर अंदर से डिज़ाइन बने हुए, और माशाल्लाह ये भी कॉफ़ी की शॉप है। हमें यहाँ इतनी कॉफ़ी की शॉप है, सारे यहाँ पर जितने में कॉफ़ी की शॉप ही खुली हुई। और मज़े की बात है कि रश बहुत होता है, ऐसा नहीं कि कॉफ़ी की शॉप खाली मिल जाए यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अच्छा ये कोई रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन प्लांट्स का बहुत काम किया हुआ है इस रेस्टोरेंट के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें ये माशाल्लाह डेकोरेशन वगैरह क्या सिटिंग एरिया बनाया हुआ है उन्होंने अंदर से,
सीलिंग देखा ऊपर की सीलिंग वगैरह माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें ये कॉफीज़ वगैरह के यहाँ पर हैं। इसी तरह आपको ज़्यादातर एरिया इस तरह के मिलेंगे, कॉफ़ी वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह टाइप की चीज़ें मिलेंगी माशाल्लाह से। और फिर यहाँ से हम आगे जाके आगे एक और इसी का हिस्सा है, लेकिन बीच में मेन रोड आ गई है, मेन रोड क्रॉस करके सामने वाले जाएंगे। मैं सब कनेक्टेड चल रहा पूरा। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें मेन रोड अभी गली है, मेन रोड ये है तारिक अब्दुल मलिक है ये वाली, और ये यहाँ से आ रहा है मेन रोड, और ये कंटिन्यू आगे यहाँ से चलता रहेगा। अब आप आगे की तरफ जाएंगे और आगे भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है ना, ये वही सिस्टम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, आप एक चीज़ नोट करें कि फ्लोरिंग के ऊपर कितना उठ रहा है पूरा व्यू। अगर आपकी फ्लोरिंग बहुत अच्छी हो ना, कलर कम्बिनेशन डिज़ाइन वगैरह, तो आपको बेहतरीन व्यू उठता है। ठीक है, अगर मैं इसको सादी कर दूँ, ब्लैक कर दूँ, मज़ा नहीं आएगा। ये देखो VIP किस्म का, यहाँ पर भी एक कॉफ़ी का डिज़ाइन दिया हुआ है, कॉफ़ी वगैरह है इस तरह की चीज़। रेस्टोरेंट है ये, कोई कैचअप रेस्टोरेंट है। तो ये सारी चीज़ अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से एक रास्ता है मेन रोड की तरफ जाने का। ठीक है ना, और कितना अच्छा व्यू आ रहा है ये, और ऊपर की तरफ देखें, ऊपर भी कैसे डिज़ाइन बनाए हुए वाइट वाइट किस्म के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपके डिज़ाइन को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो हम इस चीज़ का छोटा छोटा ख्याल रखें तो हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा बन सकता है। इसी तरह वाइट के साथ उन्होंने ग्रे वुड का कंट्रास्ट दिया। फिर इसके बाद ट्रे के लिए इन्होंने एक डेकोरेशन बना दिया, डेकोरेशन सिटिंग एरिया आपने देखा कितना अच्छा बनाया हुआ। फिर इसके बाद ये लैंप लगाए जो रात को जलेंगे तो और अच्छा लगेगा। फिर सबके अंदर के जो इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत VIP किस्म के बने हुए, जो आप इमेजेस में देखते थे आज वो रियल में देख लें आप। ये देखें, ये हॉट हॉट कुछ है, ये देखते हैं यहाँ पर, ये कुछ खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं कोई मतलब की चीज़ दिखी तो ज़रूर हम दिखाएंगे। तो आपको मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि अब वो जो मॉल वाला सिस्टम है ना, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। ये सब यहाँ पर ज़्यादातर कॉफ़ी फूड एरिया, फूड के लिए से बना हुआ ज़्यादातर ये माशाल्लाह। अब ये देखें माशाल्लाह, पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा। और रात को देखें ये इतना खूबसूरत लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी वजह के यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होती, जो कि अभी यहाँ पर लाइट वगैरह जल गई है, ये लाइट जल गई है, उसके इस ट्री के ऊपर लाइट वगैरह आ चुकी हैं। तो अगर आप ये देखेंगे माशाल्लाह, मैं चले जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा वो मॉल है। और फिर हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये देखते रहे माशाल्लाह। तो अब ये भी देखें, कॉफ़ी एरिया बनाया हुआ उन्होंने, और ये देखें सारा कॉफ़ी एरिया माशाल्लाह, क्या अंदर से डेकोरेशन हुआ हुआ है। ये एक एरिया बढ़ाया हुआ सिटिंग एरिया बाहर से। इसी तरह हम आगे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर और चीज़ें। तो वीडियो बनाने का मकसद भाई यही है कि नए से नए मॉडल आप देखें, नए से नए डिज़ाइन देखें, उसको पिक करने की कोशिश करें, उसकी लाइटिंग देखें, कलर देखें, कलर स्कीम देखें, प्लांट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन्होंने ज़्यादा प्लांट्स का इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा नेचर के करीब चीज़ें लगती हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ से बाहर से दिखाऊँ आपको, हम आए थे उस कोने से, वहाँ से आए थे, ये देखें पूरा यहाँ तक। तो ये एक मैंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि एक मॉल आपको मैंने दिखाया, और ये देखें ये मेन रोड है, और पीछे की तरफ समंदर है, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर समंदर है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अगर आप देखते हैं, आपको कोई चीज़ समझ आती है तो आप इसको पिक भी कर सकते हैं। आपने इमेज तो देखी होंगी किरण, लेकिन मैंने चाह रहा था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर कि भाई प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और हो सकती हैं। अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो देखिए, देखें पर VIP माशाल्लाह, वो स्टारबक्स की कॉफ़ी है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो
तो ये देखें आप माशाल्लाह व्यू बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू है, देखने में मज़ा आ रहा है। शॉपिंग करें या कॉफ़ी वगैरह, यहाँ ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह की आपको मिलेंगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर, अब मैं पहले पीछे वाली गली से लेके आया था, अब मैं मेन रोड से लेके आ रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते रहे आप, अंदर से भी सारे शॉप बहुत ही बेहतरीन बने हुए, बहुत अच्छा क्लास इंटीरियर बना हुआ है और आपको मज़ा आएगा। एनवायरमेंट अगर आपको अच्छा मिले ना और डिज़ाइन अच्छा हो तो फिर मज़ा आता है यार काम करने में। आप देखें ये भी एक है, ये भी अंदर से माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है। प्लांट देखें, हम यहाँ से प्लांट्स के ऊपर बहुत काम किया गया है इन्होंने, बहुत काम किए पूरे सऊदी अरब में प्लांट्स के ऊपर, यकीन करें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन ये प्राइवेट है, लेकिन उन्होंने भी प्लांट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी हुई है और होना भी ये चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये मेन रोड है। तो भाई इसी के साथ आप मुझे जाया दीजिएगा, आज से मैं नई नई वीडियो लेके आऊँगा। अभी मैं एक दो और वीडियोस बना रहा हूँ जो कि मटेरियल के ऊपर है, कि मार्बल के मटेरियल डिज़ाइन वगैरह कैसे होते हैं यहाँ पर, उसकी शॉप यहाँ पर कैसे होती है, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाने वाला हूँ वीडियो। और एक पूरे फर्नीचर की एरिया दिखाने वाला हूँ कि फर्नीचर बहुत मारूफ है, लेकिन मैं अभी उसको नहीं करना चाहता, उसकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत नए नए मॉडर्न किस्म की लाइटें जो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, तो आपको उससे कोई यकीन इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मुझे याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में रखेगा। और जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और साथ साथ इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे याद दीजिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।